कितना ज्यादा धूल मिट्टी निकल रहा है, इसमें कितना ज्यादा डस्ट भरा हुआ है। इसको एयर गन की मदद से प्रॉपर अच्छा से क्लीन कीजिए। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटेड। यह मेरे पास रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 न्यू मॉडल BS6 FI वाली वेरिएंट बाइक है। और यहाँ पे बात कर ले तो बाइक का देखिए आप इग्निशन ऑन कर रखे हैं और हम देखें अभी ट्रैप 2 है, तभी हम यहाँ से स्विच को पुश करेंगे तो ऑडियो आ जाएगा। ऑडियो आ गया तो अब ये बाइक जो है यहाँ पे 5475 किलोमीटर बाइक चला हुआ है। और अभी हम इस बाइक का इंजन ऑयल को चेंज करेंगे। तो इस बाइक में आप लोगों को एक हम सबसे पहले डॉट क्लियर कर देना चाहते हैं। यहाँ देखिए एक जो यहाँ पे ये बोल्ट देख रहे हैं, आपने भी यहाँ पे एक बोल्ट देखा, ये बोल्ट इंजन ऑयल बाहर निकालने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से हम इंजन ऑयल को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ये फुल डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अभी हम बात करेंगे इस बाइक को इंजन ऑयल कैसे चेंज करना है। इंजन ऑयल चेंज करते वक्त आपको कौन कौन पार्ट मोस्ट पॉपुलर है जिसपे आपको ध्यान देना है, चेकअप करना है, सर्विस करवाए चाहे सर्विस न करवाए। पहले वाले जो बुलेट बाइक था उसमें हम 3 जगह से इंजन ऑयल नॉर्मल निकाल सकते थे। सबसे जो मोस्ट था 2 जगह से निकालना ही था, उसके बाद हम तीसरा भी जगह था तो एक यहाँ से हम लोग पहले वाले बाइक में निकालते थे, उसके बाद दूसरे यहाँ से निकालते थे और तीसरा जो एक सेक्शन फिल्टर लगता था। लेकिन इस बाइक में हम एक ही जगह से इंजन ऑयल बाहर निकाल लेंगे, उसमें इंजन ऑयल भी निकल जाएगा और सेक्शन फिल्टर भी आपको क्लीन हो जाएगा। वो जगह आपको यहाँ पे देखिए, हमने इसका हल यहाँ से ऑलरेडी ओपन कर रखे हैं। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह का आपको कैप लगा है, इस तरह का आपको कैप लगा रहता है। यहाँ पे इस वाले पार्ट पे यहाँ पे कैप लगा है। इस कैप को जैसे 8 mm का रिंग एस्पिरेंट से ओपन कीजिएगा तो उस टाइम आपको इंजन ऑयल बाहर निकलने लगा। लेकिन आपको इस कैप को आपको फुल असेंबल खोल करके बाहर निकालना है। उसके बाद इस तरह का एक सेक्शन फिल्टर लगा रहता है इंजन में, इस सेक्शन फिल्टर को भी आपको प्रॉपर अच्छा से क्लीन करना है। क्लीन करना बहुत ही जरूरी है, बहुत मोस्ट पार्ट है। अगर इस फिल्टर को हम क्लीन नहीं करेंगे उस टाइम प्रॉपर हमारा इंजन ऑयल जो है, इंजन ऑयल पंप को भरपूर मात्रा में इंजन ऑयल नहीं मिलेगा तो फिर वो प्रॉपर हेड तक इंजन ऑयल नहीं पहुंच पाए। जब भी आप बाइक का इंजन ऑयल चेंज करते हैं उस टाइम सेक्शन फिल्टर को बाहर निकालिए, नोज प्लास की मदद से आसानी से बाहर निकाल सकते। इसको एयर गन की मदद से प्रॉपर अच्छा से क्लीन कीजिए। उसके बाद 5 mm का एल्की रिंच लेकर के आपको इस पार्ट को ऑपन करना है। यहाँ पे इंजन ऑयल का फिल्टर लगता है जो कि BS6 बाइक में आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का इंजन ऑयल का फिल्टर दिया, पुराने बाइक से बिल्कुल अलग कर दिया है BS6 बाइक में। पहले के बाइक में क्या था कि दूसरा इंजन ऑयल का फिल्टर लगता है, लेकिन अभी जो BS6 न्यू मॉडल बाइक है उसमें इस तरह का इंजन ऑयल का फिल्टर लगता है। तो फ्रेंड्स जैसे लग रहा है बजाज डिस्कवर बाइक का है और यहाँ FZS में इसी मॉडल का फिल्टर लगता है, लेकिन वो फिल्टर आपको प्रॉपर फिट नहीं होगा, इसके लिए दूसरा फिल्टर आता है। इस फिल्टर का प्राइस क्या है, पार्ट नंबर क्या है, टोटल स्टेप आपको बताएं तो आप लोग वीडियो में अंत तक बनेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम इंजन ऑयल का फिल्टर को भी ओपन कर रखे हैं। यहाँ से ओपन कर लेना यूटिली बॉक्स को, इस तरह से ओपन हो गया आसानी से। उसके बाद इस तरह से एक देखिए यहाँ पे फाइबर लगा है, इस फाइबर को आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। इस वाले एरिया ने एयर फिल्टर, जी हाँ फ्रेंड्स यहाँ पे लगा है एयर फिल्टर। चाहे आप बाइक का सर्विस करवाए चाहे सर्विस ना करवाए इससे मुझे कोई भी डिफरेंट नहीं है। जिस टाइम भी आप बाइक का इंजन ऑयल चेंज करते हैं उस टाइम इंजन ऑयल आपको चेंज करना है, इंजन ऑयल के साथ साथ सेक्शन फिल्टर को क्लीन करना है, उसके बाद इंजन ऑयल का फिल्टर को चेंज करना है और उसके बाद आपको एयर फिल्टर को क्लीन करना है। अगर रिप्लेस करने लगे तो एयर फिल्टर आपको रिप्लेस करके नया एयर फिल्टर डाल देना। चलिए फटाफट से हम एयर फिल्टर को पहले ओपन कर लेते हैं। एयर फिल्टर को तब तक ओपन कर लेते हैं जब तक बाइक से इंजन ऑयल बाहर निकल रहा है। एयर फिल्टर बाइक का क्लीन रहेगा तो आपका बाइक पिकअप प्रॉपर लेगा, माइलेज सही रहेगा। अगर एयर फिल्टर गंदा रहेगा तो आपका बाइक पिकअप भी नहीं लेगा। BS4 और BS3 बाइक से अलग एयर फिल्टर है। चलिए इसको हम अभी फटाफट से एयर गन की मदद से इसको क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि अभी एयर फिल्टर कहीं से भी उतना खराब नहीं लग रहा है। तभी हम क्या करें फटाफट से एयर गन की मदद से एयर फिल्टर को हम क्लीन कर लेंगे। कितना ज्यादा धूल मिट्टी निकल रहा है, कितना ज्यादा डस्ट भरा हुआ है, देखिए कितना ज़्यादा डस्ट भरा हुआ है, देखिए पूरा हाथ गंदा हो गया। उसके बाद इसका अंदर से इस तरफ से आपको क्लीन कर, देखिए कितना ज़्यादा डस्ट रहेगा तो कभी बाइक आपका माइलेज नहीं देगा, नहीं बाइक आपका प्रॉपर पिकअप नहीं लगा, क्योंकि बाइक को एयर नहीं मिलेगा तो फिर उस टाइम आपको बाइक पिकअप नहीं लगा। हम रख लेते हैं यहाँ पर साइड में। अब उसके बाद एयर फिल्टर का जहाँ पर बॉक्स है इस बॉक्स को भी एयर गन को रिप्लेस करने लगा है तो आपको रिप्लेस करके नया एयर फिल्टर डाल देना है। ये जरूरी नहीं है कि एयर फिल्टर को क्लीन ही करना है। फिल्टर काम मेरा फाइनली कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम इस कैप को यहाँ पर सेटिंग कर देते हैं। सबसे पहले हम बाइक का जो इंजन ऑयल का जो बोल्ट है उसको हम यहाँ पर सेटिंग कर लेते हैं। देखिए इस ये जो सेक्शन फिल्टर जो इंजन के अंदर लगता है इसको हमने पेट्रोल से सभी पार्ट को प्रॉपर अच्छा से क्लीन कर रखे हैं। इस फिल्टर को आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर डाल करके यहाँ पर सेटिंग करना है। देखिए उसके बाद ये जो कैप आप देख रहे हैं इस पर बहुत जगह हम देखते हैं कि मैकेनिक क्या करता है इस पर बॉन्ड डाल देता ताकि इंजन ऑयल लीक ना करे। भाई जब तक ये ओरिंग प्रॉपर सही रहेगा तब तक इंजन ऑयल लीक नहीं करेगा, ओरिंग बाहर गिरेगा उसके बाद ही इंजन ऑयल यहाँ से लीक करेगा। तो इसको टाइट करते वक्त यहाँ पे बॉन्ड वगैरह का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है।
इस वाले पार्ट को प्रॉपर आपको फ्रेश टावल की मदद से इसको क्लीन कर देना, ताकि इस फेस पे थोड़ा भी धूल मिट्टी न रहे। उसके बाद इसको टाइट कर देना, बिल्कुल भी इंजन ऑयल थोड़ा भी लीक नहीं करेगा। फिर देखिए यहाँ पे हम इंजन ऑयल का जो बॉल था उसको फाइनली टाइट कर लिए। अब चलिए बाइक को चलते हैं हम राइट साइड में और इंजन ऑयल का फिल्टर का हम सेटिंग करेंगे। न्यू मॉडल BS6 Sapphire वाली वेरियंट का इंजन ऑयल का फिल्टर है और यहाँ पे देखिए ये हो गया इसका पार्ट नंबर। आप चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसका प्राइस का बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 87 रुपया का एक फिल्टर है, 87 यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे भी लिखा है फिल्टर कॉम्बो इंजन ऑयल, इंजन ऑयल का फिल्टर है ये। कुछ इस प्रकार से पैकिंग है इसका। इसके साथ यहाँ पे देखिए एक ओरिंग लगा हुआ है रबर का, उसके बाद एक स्प्रिंग लगा। चलिए इसको हम इस तरह से यहाँ पर सेटिंग कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस कैप को हमने प्रॉपर अच्छा से क्लीन कर लिया। चलिए इस कैप को यहाँ पे हम प्रॉपर अच्छा से सेटिंग कर लेते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे 5mm का एलकी बोल्ट आ जाता है, 3 एलकी बोल्ट है यहाँ पे 5mm का। इन बोल्ट को आपको प्रॉपर टाइट कर लेना है। उसके बाद हम बाइक में इंजन ऑयल डालेंगे। आपके पास क्लासिक 350 है, BS4 ओल्ड मॉडल है, या फिर आपके पास इलेक्ट्रा 350 है, उन सही बाइक में 2.5 ml इंजन ऑयल लगता था और 2.5 लीटर, लेकिन अभी का बाइक में उतना इंजन ऑयल नहीं लगता है। देखिए यहाँ पर हम इंजन ऑयल डालने वाले डिपिस्टू को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक टिप्पी को हमने सेटिंग कर ली है। आप लोग सोच रहे हैं बाइक में इंजन ऑयल कितना डालें। देखिए यहाँ पे 2.5 ml का इंजन ऑयल का मोटर है, 15W50 है, सिंथेटिक इंजन ऑयल है। ये पावर है, यहाँ पर लिखा हुआ है पावर प्लस, और ये 15W50 सिंथेटिक इंजन ऑयल है, 2.5 ml का इंजन ऑयल। लेकिन 2.5 ml इसके अंदर हम इंजन ऑयल नहीं डालेंगे, और 2.5 लीटर इंजन ऑयल अगर बाइक के अंदर डालेंगे तो बाइक चलेगा नहीं, बंद होने लगेगा, क्योंकि इस बाइक में 1.7 ml इंजन ऑयल लगते हैं। फ्रेंड देखिए कंपनी बोलता है कि 1 लीटर 700 ml इंजन ऑयल डालना चाहिए न्यू मॉडल BS6 Sapphire वाली वेरिएंट बाइक में, लेकिन हम 1 लीटर 700 ml नहीं डाल करके 1 लीटर 800 ml इंजन ऑयल डालेंगे, 100 ml एक्स्ट्रा इंजन ऑयल डालेंगे। वो इंजन ऑयल के फिल्टर भी सोख लेगा, ये जो हम फिल्टर चेंज किया ये फिल्टर भी सोख लेगा, इससे क्या होगा इंजन जो है ओवर हीट नहीं होगा। 2.5 लीटर इंजन ऑयल आप भूल से भी न्यू मॉडल BS6 Sapphire वाली वेरिएंट बाइक में नहीं डाल दीजिएगा। एक मेरे पास ये जार है, इस जार से हम नापी करके डालेंगे 2.5 ml, इसके अंदर 500 ml ही इंजन ऑयल आता है। 500 ml ले लिए, 500 ml करके 3 बार इंजन ऑयल डालेंगे, फिर उसके बाद हम 300 ml अलग से इंजन ऑयल डालेंगे तो हो जाएगा 1 लीटर 800 ml। 1 लीटर 750 ml आपको नहीं डालना है, 1 लीटर 800 ml इंजन ऑयल डालना है न्यू मॉडल रॉयल इनफील्ड बाइक में। उसके बाद अगर बात करें तो देखिए कंपनी का रिकमेंड है कि इस बाइक में आपको 5000 किलोमीटर तक इंजन ऑयल को ड्राइव करना है, चलाना है, यानी 5000 किलोमीटर चलाना है। लेकिन 5000 इंजन ऑयल को हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3000 किलोमीटर तक। 3000 किलोमीटर आपको बाइक को चला करके इंजन ऑयल को चेंज कर देना है। देखिए यहाँ पे 1.5 लीटर इंजन ऑयल हमने डाल दिया बाइक के अंदर, अब क्या करना है यहाँ पे हम 300 ml इंजन ऑयल और लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 लीटर 800 ml 5000 किलोमीटर इंजन ऑयल को चलाने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 3000 किलोमीटर चला करके इंजन ऑयल को चेंज कर देंगे, इससे इंजन का भी सेफ, इससे क्या होगा इंजन आपका सेफ रहेगा, इंजन का साउंड भी प्रॉपर सही रहेगा, और आपका क्लच प्लेट वगैरह जल्दी ख़राब नहीं होगा, उसके बाद इंजन से जल्दी झरझर पड़ कट का साउंड नहीं आएगा। तो उनको ऑन कर लिए, जब भी आप बाइक में नया इंजन ऑयल डालते हैं उस टाइम इंजन को आपको स्टार्ट करके 5 से 10 सेकेंड वैसे ही छोड़ देना है, थ्रॉटल वगैरह बिल्कुल भी नहीं देना है। 5 से 10 सेकेंड वेट कर लेने के बाद क्या होगा इंजन जो है इंजन ऑयल जो प्रॉपर हेड तक प्रॉपर पहुंच जाएगा, इंजन में सभी कलपुर्जन प्रॉपर इंजन ऑयल का छिड़काव हो जाएगा। उसके बाद हम बाइक को यहाँ पे थ्रॉटल देंगे, चाहे आप बाइक को सुबह फर्स्ट स्टार्ट करते हैं उस 10 सेकंड के लिए आपको बाइक को छोड़ देना है, ताकि इंजन ऑयल भरत में बूंद बूंद करके चैम्बर में चला जाता है। जब हम फर्स्ट टाइम बाइक को स्टार्ट करते हैं 5 से 10 सेकंड छोड़ देंगे तो इंजन ऑयल का छिड़काव प्रॉपर इंजन के अंदर हो जाएगा, उससे इंजन का साउंड आपको जल्दी ख़राब नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर इंजन साउंड का बात कर, देखिए इंजन से बिल्कुल भी झरझर फड़फड़ कट का साउंड नहीं आ रहा है। देख ले इंजन से बिल्कुल भी झरझर फफा कट का साउंड नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर सर्विस लाइट बिलिंग करते रहे, सर्विस लाइट को किस तरह से ऑफ करें, इसमें जो टाइम दिखाता है टाइम को किस तरह से सही करें, इन सब पे हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर बाइक के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।